And from Goa, let's shift focus to the hill state of Uttarakhand, which also, in fact, goes to polls today. Remember, this is voting for 70 member assembly seats. Now, while the incumbent BJP is hoping to beat the trend of the people voting out the governments in every election, Congress, in fact, is hoping for a comeback, even as Aam Aadmi Party has thrown in the gauntlet for making it a triangular contest. Now, over 600 candidates are in the electoral fray for 70 assembly seats. Other than the BJP, Congress, Aam Aadmi Party, the SP and the BSP are also testing their electoral strengths in the state. मैं मौजूद हूँ नैनीताल जिले के एक विधानसभा में, लालकुआ विधानसभा भी यहाँ लगता है, लेकिन हल्द्वानी विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, वोटिंग का जो समय है वो 8 से 6 बजे के बीच का है, लेकिन जो वोटर हैं वो अभी से लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 8 बजे से पहले यहाँ लाइन में लगे रहे तो उन्हें इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना होगा वोट के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएँ भी लाइन में लगी है और पुरुष भी लाइन में लगे हैं, और जो वोटर है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप 8 बजे से वोटिंग है, अभी से आप लाइन में लगे हुए हैं, क्या है वोट डालने से पहले क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे व्यक्ति को चुनकर लाना है, कौन सी समस्याएं जो है वो आपके लिए सबसे पहले है? हमारे लिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। हम विकास चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में विकास हो, हम उसको वोट देना चाहेंगे जो विकास करे। जो विकास करे उसको वोट देना चाहेंगे। क्या आपका क्या मुद्दा है आपके इस विधानसभा का? यही है, अच्छा काम हो, बढ़िया हो, अच्छा उम्मीदवार चुना जाए जो अच्छा काम कर रहा है। काम होनी चाहिए बढ़िया, देश में अच्छा विकास हो, ऐसा नहीं है, विकास अच्छा होनी चाहिए, बस यही मुद्दा है। Meanwhile, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has urged all the people to exercise their franchise today. Let's listen in. सभी से अपील करता हूं कि अच्छी सरकार बनाने के लिए राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में सभी लोग आगे आएं और मतदान करें, मतदान के बाद ही अपना जलपान करें। सब लोगों से अपील है कि सब लोग मतदान जरूर करें।